है रोड पे, अगर खान सर को गिरफ्तार करेगा तो अब लड़की उतरेगा, तो लड़की अगर उतर जाएगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। हम लोग गलत तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो हमेशा ये बोल रहे हम लोग का डबल एग्जाम देकर के पास किया जाएगा, तो सरकार लोग को भी एग्जाम देकर के पास करके उसको भी तब वोट भी मिलेगा, फिर भी उसको एग्जाम देना पड़ेगा, तब उसको मुखिया या कोई चीज में या चीफ मिनिस्टर कोई चीज है तो उसको पद मिलेगा। कि मतलब जो हंगामा करेंगे उनको आजीवन रेलवे का एग्जाम नहीं दिया जाएगा, मतलब इनका मनमानी सही और चुपचाप रहे नहीं कर पाएंगे, ले भी जाएंगे ना उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हंगामा हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी नहीं था। सर हो ही नहीं सकते क्योंकि सर जो सामने से मुकाबला करते हैं ना, वो जो जेल में डाला गया है, अगर सर को कुछ आया तो अभी तक तो लड़का ही कुछ बोल रहा है ना, अब लड़कियां भी उतर जाएगी और सर के सपोर्ट में रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निभा सिंह। अभी हम खान सर के कोचिंग के जस्ट सामने है, ये महिलाओं का लॉज है और यहाँ कई महिलाएं आपको मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी जो खान सर की स्टूडेंट है, और इन्हीं स्टूडेंट से हम बात करेंगे और जानेंगे कि खान सर पर एफआईआर होने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है, क्या ये सही है या फिर गलत है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। ऐसा लग रहा है खान सर पे एफआईआर हुआ है, पूरा मामला पता है आप लोगों को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा भारती हुआ। नेहा भारती, आरआरबी को लेकर के जिस तरह से बवाल हुआ एनटीपीसी को लेकर के, तो क्या लगता है खान सर पर एफआईआर होना चाहिए उन्हें भड़काने के मामले में? सर तो ये कभी नहीं बोले हैं कि स्टूडेंट को जा करके तुम ये करो, हमेशा सर अच्छे मतलब सपोर्ट किए कि तुम अच्छे से करो, कोई स्टूडेंट को ये नहीं बोला है कि तुम जा करके हंगामा करो, मतलब सर बहुत अच्छा, और सर के मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं उनका जो वीडियो है वो नहीं आ पाएगा, वो परेशानी में भी तो है फिलहाल, उन पर एफआईआर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो परेशान है फिलहाल, तो अभी वीडियोज भी शायद ना आए, तो कैसे पढ़ाई करेंगे आप लोग? ये सब तो स्टूडेंट के लिए तो दिक्कत की बात है बहुत ही ज़्यादा। क्या लगता है किसकी गलती है इसमें, आप लोग क्या कहेंगी? यहाँ पे सर का कोई गलती नहीं है क्योंकि सर जो भी बोले हैं स्टूडेंट के लेकर के बोले और वो सपोर्ट किए ना कि उसको भड़काया है, तो सर को मतलब नहीं करना चाहिए। तो सर अभी मुसीबत में है तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे सर को, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे पढ़ाई करिएगा आप, तो कोचिंग में जाकर पढ़ती थी? कोचिंग में जाकर मतलब एक क्लास किए थे लेकिन उसका ऑनलाइन क्लास हम पढ़ते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, और हमेशा अच्छे बात बोले, कभी ये संस्कृति लेकर के नहीं, वो कौन जाति है ये सब भी नहीं माने सर, मतलब इतना अच्छे हैं ना कि ये सोच नहीं सकते कि, लेकिन बहुत सारा क्या करें, वो कह रहे हैं कि वो फरार हो चुके हैं। नहीं ऐसा तो कभी हो सर, सर फरार कभी नहीं सकते, सर कभी फरार हो ही नहीं सकते क्योंकि सर जो सामने से मुकाबला करते हैं ना कि उसका जाकर के पीछे जाकर के कर जाने लगे हैं। गलती के वजह से खान सर को बीच में फंसाया ही जा रहा है, इसमें खान सर का कुछ गलती नहीं। पहला वीडियो खान सर ने बनाया था और स्टूडेंट को ये समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। हाँ ये तो बात, बहुत सारा वीडियो भी डिलीट कर दिया गया, ये डिलीट कर दिया गया तो ये तो सर का गलती नहीं, सर को तो समझाना ही काम है स्टूडेंट सबको। आप लोग क्या कहेंगी? इसमें सर का कोई गलती नहीं है, सर का कोई गलती नहीं, सर को सपोर्ट कर रही हैं सर, स्टूडेंट जो भी करते हैं सर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में है जो भी कर रहे हैं सर, सर का इसमें कोई गलती नहीं, सर सबको बस समझा रहे हैं, सर समझा रहे हैं। सर को जेल में डाल देना चाहिए? नहीं डाल देना चाहिए, सर को जो जेल में डाला गया है, अगर सर को कुछ आया तो अभी तक तो लड़का ही कुछ बोल रहा है ना, अब लड़कियां भी उतर जाएगी और सर के सपोर्ट में रहेगी। सर इसमें गिरफ्तार किया जाएगा तो पता नहीं और क्या होने वाला है, तब तो और नहीं कोई संभाल पाएगा, मतलब सर को नहीं, इसको खान सर को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को भी पता है गिरफ्तार नहीं करेंगे, एफआईआर करके छोड़ देंगे। अरे नहीं कर पाएंगे, ले भी जाएंगे ना उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हंगामा हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी नहीं था। खान सर के इतने से गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये तो आयोग और गवर्नमेंट की गलती है, इसी 3 साल पहले फॉर्म भरा है, ये ऐसा कौन कुछ है कैलेंडर जारी करे, अगर हम लोग लगाएंगे तो बताइए कोई भी फॉर्म को 6 मंथ में हो मतलब एग्जाम देकर के उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर 5 साल एक सब्जेक्ट एक मतलब तैयारी में लगाएंगे तो सबका उम्र का भी हिसाब है ना, कि उम्र भी बहुत सारा चला जाएगा और ना जाने कितना अपनी मतलब अपनी माँ अपना जमीन बेच करके मतलब बच्चे को बाहर भेजते कि मेरा बच्चा जाएगा तो पढ़े, लेकिन यहाँ पे सरकार इतना बड़ा घटिया काम कर रहे हैं कि हम लोग ना चाहते हुए कुछ, और हम लोग अगर आवाज
आवाज उठाते हैं, तो सर अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको जेल में डाल देना, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? ये तो सरासर गलत है, मनमानी है। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो हंगामा करेंगे उनको आजीवन रेलवे का एग्जाम नहीं दिया जाएगा, मतलब इनका मनमानी सही और चुपचाप रहे, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चा यहाँ आकर के पढ़ रहा है, अपना जमीन बेच दिया, कोई अपने माँ का गहना बेच दिया, कोई अपने बीवी अपने ये पति को सोच करके बाहर में पढ़ा रहा है कि जाएंगे तो कुछ होगा, लेकिन एक चीज को 5 साल हम अगर लगा देंगे, 6 महीना होगा तब ना हम कोई और चीज में मतलब ध्यान लगाएंगे, एक ही चीज में तो कितना सबका उम्र का हिसाब है। किसी खान सर को अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, लड़कियाँ क्या करेंगे? खान सर के स्टूडेंट लड़का ना उतरा है रोड पे, अगर खान सर को गिरफ्तार करेगा तो अब लड़की उतरेगा, तो लड़की अगर उतर जाएगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। हाँ आप लोग भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सारे सर के सपोर्ट में, हम लोग सारे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब। ये है खान सर की स्टूडेंट का आवाज, और इनका कहना है कि अगर खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा तो लड़कियां भी सड़क पर उतरेगी, और जब लड़कियां सड़क पर उतरेगी तो लड़कियों का पावर सरकार अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझेंगे जब लड़की सड़क पर उतरेगी तो।